हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब्स में। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट आई है वैकेंसी फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। 9 नवंबर को जो है विज्ञप्ति जारी हुई है, तो चलिए मेन वेबसाइट पर हम चलेंगे। सबसे पहले जैसे ही मुझे जानकारी मिलती है कि वैकेंसी आई है और स्टूडेंट्स को जो है वो बिल्कुल बतानी है। जो भी स्टूडेंट्स जॉब सर्च करते हैं, जिनके लिए बहुत ही अर्जेंट रहता है कि उन्हें जो है किसी भी तरीके से जो है नौकरी मिल जाए, तो बिल्कुल आप लोगों को इस चैनल पर बताई जाएगी। तो मेन वेबसाइट पर आपको आना है NCERT की। आप लोगों को वैकेंसी के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन आपको नजर आ रहा है, इसमें लिखा है वैकेंसीज। इसे जो है आप लोग ओपन करेंगे। यहाँ पर जो है आप लोगों को प्रोजेक्ट स्टाफ यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है सबसे ऊपर ही जो है आप लोगों को विज्ञापन मिलेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ 4 सीनियर रिसर्च एसोसिएट एंड 16 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं। अगर आपको इंग्लिश में विज्ञापन देखना है तो आप इंग्लिश पर क्लिक करें, और हिंदी में देखना है तो हिंदी पर क्लिक करें। तो यहाँ पर मैं हिंदी वाला जो है बिल्कुल ओपन करूँगी ताकि सभी को समझ में आ सके। तो यहाँ समय जो है आप लोगों के पास जो है बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी है 9 नवंबर 2023 की आई हुई है, तो थोड़ा लेट हो गया है मुझे पता लगने में। भाषा शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद श्री अरविंद मार्ग न्यू दिल्ली से ये वैकेंसी है, यानी कि जॉब लोकेशन दिल्ली ही रहेगी। यहाँ पर जो है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक इन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड उर्दू, ठीक है, इसके लिए भर्ती निकाली गई है। 4 सीनियर रिसर्च एसोसिएट की है, सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इन सब की एक एक है, और 16 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जिसमें चार 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 जो है सभी में वैकेंसी है। तो कौन कौन जो है यहाँ पर आवेदन कर सकता है, यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि वीडियो थोड़ा सा लेट ही जो है बन पाया है। यहाँ पर साक्षात्कार जो है 21 नवंबर का निकल चुका है, हिंदी और अंग्रेजी का 22 नवंबर का। जो भी अटेंड करना चाहते हैं इंटरव्यू, तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं, न्यू दिल्ली आपको जाना होगा संस्कृत और उर्दू के सब्जेक्ट के लिए। तो 4 जो है सीनियर रिसर्च एसोसिएट संस्कृत और उर्दू के लिए अनिवार्य योग्यता क्या चाहिए, तो मास्टर डिग्री आपका 55% मार्क्स के साथ में चाहिए, और किसी भी स्कूल में पढ़ाने का आपका 2 वर्ष का जो है अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है सीनियर रिसर्च एसोसिएट के लिए, ठीक है। पारिश्रमिक जो है आप लोगों को यहाँ पर सैलरी प्रति माह जो है 30,000 मिलेगी। 40 वर्ष से कम के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोगों को एग्जाम नहीं होगा, सीधे इंटरव्यू के लिए जाना है। नेक्स्ट जो है जो 16 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी है, जिसमें हिंदी इंग्लिश की निकल चुकी है, तो ये जो है आप लोगों को जो है बिल्कुल मेरी तरफ से सॉरी है कि लेट जो है वो मुझे पता लगा। 22 नवंबर का जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल चले जाएं संस्कृत और उर्दू के लिए, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए और सीनियर रिसर्च एसोसिएट के लिए। तो यहाँ पर केवल मास्टर डिग्री मांगा गया है, यहाँ संस्कृत या उर्दू में आपका 55% मार्क्स के साथ है, तो आप जा सकते हैं। वांछनीय में अगर जो है शिक्षा विज्ञान में डिग्री है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर में प्रवीणता, ये सारी चीज़ें जो है वो डिजायरेबल में है, ठीक है, नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। बाकी जो शैक्षिक अनिवार्य योग्यताएं हैं ये तो चाहिए, यानी मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए संस्कृत या उर्दू में। तो यहाँ पर सैलरी आप लोगों को मिलेगी 23,000 अगर आपने नेट क्लियर नहीं किया है, ठीक है, केवल मास्टर डिग्री, और जिनका जो है नेट क्लियर है तो उनको यहाँ पर सैलरी 25,000 मिलेगी। 40 वर्ष से कम तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी जो है ये उन कैंडिडेट के लिए जॉब रहेगी जिनको अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है, जो अपने आप को जो है सोच रहे हैं कि हम 3-4 मंथ अगर हम कहीं से जो है अर्निंग कर सकते हैं तो कर पाए, केवल उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। इंटरव्यू जो है आप लोगों का कहाँ रहेगा, तो बिल्कुल एड्रेस जो है आप लोग नोट कर लें, अपने डॉक्यूमेंट के साथ में आप लोगों को पहुँच जाना है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री संस्कृत या उर्दू में है, ठीक है, तो आप जो हैं जा सकते हैं। यहाँ पर जो है एड्रेस नोट करें, कक्ष संख्या 17, 2 तल, जानकी अम्बाल खंड,
एनसीईआरटी श्री अरविंद मार्ग न्यू दिल्ली 110016 में आयोजित किया जाएगा। तो वहाँ जाते ही आप लोगों का होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आप लोगों को समय पर जो है यहाँ पहुँचना है, 9:30 बजे से 11 बजे तक सबसे पहले पंजीकरण होगा यानी रजिस्ट्रेशन होगा, आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा। कक्ष संख्या 11 द्वितीय तल जानकी अम्माल खंड में आप लोगों का होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये इस एड्रेस पर आपको सबसे पहले इस एड्रेस पर जो है आपको जाना है, वहीं पर आप लोगों को पता लग जाएगा और यहाँ पर आप लोगों का होगा रजिस्ट्रेशन। आप लोगों को साथ में क्या ले जाना है, तो अपने जितने भी ओरिजिनल प्रमाण पत्र हैं, आपके पास जितनी भी मार्कशीट हैं, ये आप लेके चले जाएं। स्वयं प्रमाणित तो फोटो प्रति के साथ एक फोटोग्राफ भी जो है आप लोगों को लेकर जाना है, यानी आपके पास मास्टर डिग्री तक की जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब भी आपको लेके जानी है। अगर अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी आप लेके जाएं, नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत और उर्दू के लिए केवल मास्टर डिग्री जो है आपकी 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए जूनियर प्रोजेक्ट फेलो में, और सीनियर रिसर्च एसोसिएट में जो है मास्टर डिग्री के साथ में 2 साल का अनुभव। जो नेट क्वालिफाई है तो उनको यहाँ पर जो सैलरी है 2000 एक्स्ट्रा मिलती है। अभी इम्पोर्टेंट जो है बात आप यहाँ पर देखें, पूरी तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी, अस्थाई है, पद आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है कि परिषद में पहले से ही जो है 2.5 वर्ष के लिए काम कर चुके अभ्यर्थी या उम्मीदवार जो है वो पात्र नहीं होंगे, यानी कि 2.5 वर्ष तक जो है इन्होंने काम किया है, इससे जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2.5 वर्ष तक का जो है यहाँ पर काम हो सकता है। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु एनसीईआरटी द्वारा यात्रा या दैनिक भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी आप खुद के ही जो है खर्चे पर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर अवधि जो है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए यहाँ पर लिखी गई है 31 मार्च 2024, ठीक है। और जो दूसरी वैकेंसी है सीनियर रिसर्च एसोसिएट के लिए संस्कृत और उर्दू के लिए ही रहेगा केवल, अब तो 31 मार्च 2024 तक की ही इसकी अवधि है। तो अभी जो है 2.5 वर्ष तक उम्मीदवार ने काम किया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मार्च 2024 तक जो है आपको यहाँ पर काम करना रहेगा तो हो सकता है कि उस अवधि को बढ़ाया जा सके। तो अगर आप इच्छुक हैं 3-4 मंथ के लिए जो है आप अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 3-4 महीने बिल्कुल भी आपके पास कोई जॉब नहीं, आप जॉबलेस हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है आप लोगों को कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में आप लोगों को मिल जाए, या फिर आप जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को अगर अर्न करना है तो कर सकते हैं। और मेन वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। यहाँ पर जो वैकेंसी है केवल उर्दू और संस्कृत की अभी बाकी है, और कल की डेट में इंटरव्यू रहेगा, दिल्ली आपको जाना होगा। तो एनसीईआरटी की तरफ से ऐसे ही वैकेंसी आती है तो बिल्कुल आप लोगों को इस चैनल पर बताई जाती है। तो पहले जो वैकेंसी आई थी हिंदी ट्रांसलेटर की, बिल्कुल आप लोगों को मैंने बताई थी, और पिछली जो भी देख रहे हैं आप। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।